व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। बेसिकली आज आपको बस ये दिखाना था कि ओवर हेड वाटर टैंक का जो प्रोजेक्ट है उसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि इसकी बीम की कंक्रीट पोरिंग होती और अब अल्हम्दुलिल्लाह उसका फॉर्म वर्क भी रिमूव हमने कर दिया है। फॉर्म वर्क रिमूव करने के बाद अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि इसके ऊपर मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हैं सामने स्टील फिक्सर क्या रहा है। इसके कॉलम की स्टील फिक्सिंग करनी बाकी है। जब इसकी कॉलम की स्टील फिक्सिंग हो जाएगी तो उसके बाद कॉलम का फॉर्म वर्क करेंगे और इसके ऊपर मज़ीद जो है अपनी हम स्टोरी का आगाज़ करेंगे। फ़िलहाल बस यही हमारा प्रोसेस चल रहा है। फॉर्म वर्क रिमूव कर लिया है और इसकी अब क्योरिंग अच्छी तरह से हम करेंगे और स्टील फिक्स होने के बाद कॉलम की मज़ीद कंक्रीट पोरिंग करेंगे। बस आपने ये करना है कि आपके जो कॉलम हैं वो थ्रू आउट बॉटम से लेकर टॉप तक 90 के एंगल यानी कि राइट एंगल पर होने चाहिए, वर्टिकली यानी कि बराबर होने चाहिए। आपने प्लम्ब वाल्व से थ्रू आउट चेक करते जाना है। ये नहीं कि आपके स्टोरी बेस्टोरी कॉलम बाहर की तरफ निकला हुआ हो या अंदर की तरफ निकला हुआ हो, तो इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है। आपने प्लम्ब वाल्व से चेक करना है फॉर्म वर्क करते वक्त कि आपका कॉलम निचले कॉलम से लेकर जो ऊपर ऊपर वाला कॉलम है थ्रू आउट सारे जो हैं वो एक ही स्ट्रेट लाइन में हो, प्लम्ब वाल्व में हो, यानी कि अच्छी तरह से वर्टिकल आपने उसे चेक करना है। तो बाकी की अपडेट जो होगी मैं आपको साथ साथ देता रहूँगा। आज की बस यही अपडेट थी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।